तो ये कहानी है दुनिया के सबसे फेमस टाइग्रेस और भारतीय जंगलों की शान मछली की। दुनिया भर में इसके लाखों दीवाने हैं। मछली के इतना ज्यादा फेमस होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि एक बार इसने अपने बच्चों के खातिर 4.5 मीटर के मगरमच्छ का काम तमाम कर दिया था, और एक बार तो ये अपने बच्चों के लिए एक मेल टाइगर से भी भिड़ गई थी। मछली की इन सभी बातों को शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी मछली के जीवन के कुछ ऐसे बातों को जानने वाले हैं जो आज से पहले अनकहे थे, क्योंकि इस कहानी में हम मछली के जीवन के 10 सालों को बहुत करीब से देखेंगे, जिस बीच इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी होने वाली हैं जिस पर यकीन कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मछली को और करीब से जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे साल 2006 में चलना होगा। अभी मछली 10 सालों की है और ये अपने आखिरी लिटर को पाल रही है। वैसे आमतौर पर तो कोई भी टाइग्रेस 2 से 3 बार ही बच्चों को जन्म दे पाती है, लेकिन मछली ने ये कारनामा 4थी बार किया था। रणथंभौर किले वाला इलाका जिस पर मछली राज करती है वो पूरे रणथंभौर में टाइगर्स के लिए सबसे शानदार इलाका है, और शिकार की तो यहाँ कभी कमी ही नहीं होती है। फिर कुछ देर के बाद मछली शिकार पर निकल जाती है, लेकिन चाहे टाइग्रेस मछली जितनी तेज तर्रार ही क्यों ना हो, इन सांबर डियर को चकमा देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, और यहाँ भी ये सांबर मछली के पकड़ में आने से बच ही जाता है। पर अपने बच्चों के लिए मछली को शिकार तो करना ही था, इसीलिए ये हार नहीं मानती है, और इस बार ये एक वाइल्ड बोर का शिकार करने का सोचती है। देखने में भले ही ये बोर्स उतने खतरनाक नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप जंगल के सबसे जानलेवा जानवरों की लिस्ट पर गौर फरमाएंगे तो ये जनाब आपको वहाँ जरूर दिखेंगे, और इसकी एक बड़ी वजह है इनके ये नुकीले दांत। पर मछली जैसी होनहार शिकारी के लिए इनका शिकार करना उतनी भी बड़ी बात नहीं थी, और ये बड़े ही समझदारी के साथ एक बोर को मार गिराने में सफल हो ही जाती है। वैसे जंगल में सिर्फ शिकार करना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि उसे बाकियों से छुपाए रखने की कला भी उतनी ही जरूरी होती है, और पानी के जरिए अपने शिकार को ले जाकर मछली भी यही करने का प्रयास कर रही है। जंगल के ज्यादातर जानवर तो मछली के आसपास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं, सिवाय इसके जैसे दमदार मेल टाइगर्स के। मेल टाइगर्स फीमेल से ज्यादा ताकतवर होते हैं, और इसीलिए ये टाइगर बिना किसी डर के मछली का शिकार खाने लगता है। वैसे मछली के इलाके में आने वाले सभी टाइगर्स बस इसके दुश्मन नहीं है, बल्कि इनमें से एक इसका साथी भी है। इसका नाम है एक्स मेल, और यही मछली के 4थ लिटर के बच्चों का पिता भी है। समय तेजी से बीतने लगता है और मछली की तीनों बेटियां काफी बड़ी हो जाती हैं। इनमें से एक है बगानी, जो थोड़ी शर्मीली है। दूसरी है धैर्य रखने वाली कृष्णा, तो वहीं तीसरी है सुंदरी, जो कि अपने सभी बहनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब तक इन तीन बहनों ने जो भी किया है वो सब मिलजुल कर ही किया है, इसीलिए इनके बीच बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन आज ये सब पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि जब से सुंदरी 2 साल की हुई है तब से ही इसके मन में रणथंभौर की गद्दी का लालच आ गया है, और इसीलिए ये तय करती है कि ये एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करते जाएगी। फिर सुंदरी सबसे पहले तो अपनी बहन बगानी के पास जाती है। इस वक्त बगानी शिकार पे नजर बनाई हुई थी, इसीलिए सुंदरी कब इसके पास आ जाती है वो इसे पता ही नहीं चलता है। फिर एकाएक सुंदरी इस पर हमला भी कर देती है, और बगानी तुरंत ही इसके सामने सरेंडर कर देती है। बगानी को हराने के बाद सुंदरी अपना दूसरा लक्ष्य बनाती है कृष्णा को, और बहुत जल्द ही ये कृष्णा को खोज भी लेती है। इस वक्त कृष्णा खा पीकर आराम कर रही होती है, इसीलिए इसे भी अपनी बहन सुंदरी के आने का पता नहीं चलता है। पर इसके बाद भी सुंदरी एक एक कदम फूक फूक के आगे बढ़ाती है, और फिर कृष्णा के एकदम करीब जाकर ये उस पर अचानक से टूट पड़ती है। कृष्णा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसकी अपनी बहन ही इस पर इस तरह का हमला कर देगी, और कुछ देर तक लड़ने के बाद इसे भी हार माननी ही पड़ती है। अब कृष्णा को भी हरा देने के बाद सुंदरी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पे चला गया था, लेकिन अभी भी इसके और रणथंभौर की गद्दी के बीच कोई बहुत ही मजबूती से खड़ा है। रणथंभौर के इस इलाके पर मछली पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से राज कर रही है, लेकिन अब देखना तो यही है कि तब क्या होगा जब इसकी अपनी बेटी इसे चुनौती देने आएगी। फिर बहुत जल्दी वो समय आ भी जाता है जब सुंदरी और मछली का आमना सामना होने वाला था, लेकिन यहाँ जो होता है उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल मछली सुंदर से लड़े बिना ही हार मान लेती है। ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे मछली के दिल में छुपी ममता हो, पर ऐसा करने के बाद अब मछली को अपने उस किंगडम से दूर जाना होगा जहां ये पिछले 11 सालों से राज कर रही थी, और अब मछली के आगे का जीवन तो बहुत ज्यादा कठिन नजर आ रहा है।
फिर कुछ दिनों के बाद मछली को पार्क के ईस्ट में मौजूद लकार्दा में देखा जाता है। यह जगह मछली के लिए बहुत खास है क्योंकि आज से लगभग 13 सालों पहले इसी जगह पर इसने पहली बार अपनी आंखें खोली थी और इसीलिए शायद ये अपने जीवन के आखिरी दिनों को यहीं बिताना चाहती हो। उधर दूसरी तरफ मछली की जगह अब सुंदरी क्वीन ऑफ फूड बन चुकी थी और अब तो यहाँ इसका साथी भी है जिसका नाम है स्टार। तो वहीं इससे 7 किलोमीटर दूर लकार्दा में मछली बहुत सुस्त होते जा रही है क्योंकि ये जब से यहाँ आई है तब से इसने एक भी बार शिकार नहीं किया है। एक समय पर जो मछली इतनी ज्यादा फुर्तीली हुआ करती थी वो अब ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है और अब तो हिरनों ने भी इससे खौफ खाना बंद कर दिया है। लेकिन कुछ ही देर के बाद मछली को खाना मिल ही जाता है। दरअसल कल ही इस हिरन की मौत हो गई थी इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे मछली को दे दिया ताकि ये भूखी भी ना रहे और भूख के कारण आसपास के गांव में मौजूद पालतू पशुओं पर हमला भी ना करे। लेकिन जंगल में शिकार की बहक बहुत तेजी से फैलती है और आज भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था क्योंकि स्टार को मछली के शिकार की महक आ जाती है और ये सीधा उसके तरफ ही बढ़ने लगता है। अगर मछली जवान होती तो 200 किलो के किसी मेल टाइगर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मछली से इसका खाना छीन सके। लेकिन अब बात बदल चुकी है और मछली चाहकर भी अपने खाने को स्टार से बचा नहीं पाती है। जंगल में मछली जैसे बूढ़े जानवरों के साथ अक्सर ऐसा ही सलूक किया जाता है। मछली भी ये बात अच्छे से जानती है और अब तो ये इस हालत में भी नहीं है कि ये किसी से भी लड़ सके, इसीलिए इसे लकार्दा को भी छोड़कर जाना पड़ता है। दिन तेजी से बीतने लगते हैं और रणथंभौर की गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण करने लगती है। इस गर्मी से तो मछली भी बहुत ज्यादा परेशान है। अपने किंगडम और बचपन के घर दोनों से ही निकाल दिए जाने के बाद ये रणथंभौर के एक नए इलाके में आ चुकी है और इसके लिए अच्छी बात तो ये है कि यहाँ ये अकेली नहीं है बल्कि इसका पुराना साथी यानी कि एक्स मेल भी अब इसके साथ ही है। वक्त भी न जाने कितनी जल्दी पलट जाता है। आज से कुछ ही सालों पहले ये दोनों रणथंभौर के सबसे पावरफुल कपल्स थे तो वहीं आज देखा जाए तो इन्हें अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक्समेल तो अभी बहुत ज्यादा जख्मी भी है। ये जख्म शायद इसे तब आए होंगे जब किसी दूसरे टाइगर ने इस पर हमला किया होगा। कुछ हफ्तों के बाद मछली की हालत में बहुत ज्यादा सुधार नजर आने लगता है लेकिन इस वक्त इसका साथी एक्समेल कहीं भी नजर नहीं आता है। फिर कुछ देर के बाद मछली कुछ सांबर डियर को देखती है। वैसे तो अब मछली 14 सालों की हो चुकी है और इस उम्र में शिकार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन मछली का जन्म तो मुश्किल चीजों को करने के लिए ही हुआ था और ये सांबर का शिकार करने के लिए उन पर बिजली की रफ्तार से टूट पड़ती है और आखिर में ये शिकार में कामयाब भी हो जाती है। मछली के शिकार को एक लेपर्ड भी देख रही होती है पर ये अभी इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हुई है कि एक लेपर्ड से हार जाए और फिर ये अपने शिकार को कहीं ले जाने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मछली इसे एक्समेल के लिए ले जा रही है। वैसे रणथंभौर नेशनल पार्क में भूतखोरा नाम की एक जगह भी है जहाँ का राजा है जालिम। दरअसल मैं आपको इस जगह के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन सुंदरी अपने इलाके को छोड़कर यहाँ के राजा जालिम के पास आ जाती है पर सुंदरी के लिए यहाँ आना आग से खेलने के जैसा ही है क्योंकि अगर स्टार को इस बात की भनक भी हुई तो वो पक्का ही इसे रणथंभौर किले वाले इलाके से बेदखल कर देगा और इसके साथ ही वो इसके होने वाले बच्चों को भी मार देगा। फिर वक्त बीतता है और रणथंभौर का तापमान फिर से बढ़ने लगता है। इस बार की गर्मी इतनी ज्यादा कठोर है कि इससे बेहाल होकर कई जानवर अपना दम तोड़ चुके हैं। मछली ने भी एक ऐसे ही शिकार को देखा है जिसे खाकर ये अपना पेट भर सकती थी लेकिन इस शिकार को सूंघते सूंघते एक मेल टाइगर यहाँ आ जाता है और जब मछली इसे ध्यान से देखती है तो इसे पता चलता है कि ये तो इसका अपना बेटा ही है। इसका नाम है चिरौली और ये मछली के तीसरे लिटर में पैदा हुआ था। बचपन में जब ये छोटा था तब मछली ने इसे बहुत सारा प्यार दिया था और तब चिरौली के लिए भी इसकी माँ ही इसका सब कुछ थी। यही सोचकर मछली थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और वैसे भी शिकार में अभी इतना मांस था जिससे ये दोनों माँ बेटे बड़े ही आराम से अपनी भूख मिटा सकते थे। पर आगे तो कुछ ऐसा होता है जिस पर मछली को यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इसका बेटा पूरे शिकार को खुद ही खाना चाहता था और इसीलिए ये मछली पर हमला कर देता है। मछली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना बेटा इस पर हमला भी कर सकता है लेकिन यहाँ हो तो कुछ ऐसा ही रहा था और एक बेटा अपनी ताकत को अपनी बूढ़ी माँ पे आजमा रहा था। फिर इसके बाद चिरौली मछली को जख्मी हालत में छोड़कर शिकार का लुत्फ उठाने लगता है। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था उससे सबसे ज्यादा नुकसान तो एक्समेल को है। जी हाँ, एक्समेल अभी तक जिंदा है और इसके खाने का इंतजाम मछली ही कर रही थी। आज भी ये एक्समेल के लिए खाना लेकर जाने वाली थी लेकिन तभी चिरौली ने इसे इसका शिकार ही छीन लिया और अब क्योंकि एक्समेल 17 सालों से ज्यादा का हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से इसने कुछ खाया भी नहीं है इसीलिए अब इसका मरना तो तय है।
अपने साथी के जाने के बाद अब मछली और भी ज्यादा अकेली हो जाती है, और अब क्योंकि ये थोड़ी कमजोर हो चुकी है तो इसके वजह से ये बच्चों को जन्म भी नहीं दे सकती है। फिर कुछ दिनों के बाद मानसून का सीजन आ जाता है और पूरा रणथंभौर हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। मानसून खत्म होने के बाद एक दिन मछली की बेटी सुंदरी नजर आती है, और अभी ये अकेली नहीं है बल्कि इसके साथ हैं इसके तीन प्यारे प्यारे बच्चे। लेकिन एक और बात तो ये है कि अभी ये अपने रणथंभौर किले वाले इलाके में नहीं बल्कि जालिम के भूतखोरा में है, यानी कि अब सुंदरी ने वो इलाका छोड़ दिया है। इससे रणथंभौर का सबसे बढ़िया इलाका अब खाली हो चुका है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा दिनों तक तो नहीं ही रहेगा। समय का पहिया घूमता है और कुछ और साल बीत जाते हैं। मछली अब 18 सालों की हो चुकी है, पर इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि ये इतनी ज्यादा बूढ़ी होगी। इस वक्त मछली बहुत ज्यादा सुकून में भी नजर आ रही है। दरअसल ये इसीलिए क्योंकि सुंदरी के जाने के बाद रणथंभौर किले का इलाका बिल्कुल खाली हो चुका था, जिसके बाद मछली यहाँ आ गई थी और उसी समय से इसे अपना खोया हुआ घर वापस मिल गया था। इसके कुछ हफ्तों के बाद पार्क के किनारे के हिस्सों पर सुंदरी के बच्चे नजर आते हैं, पर अजीब बात तो ये है कि सुंदरी तो इनके साथ है ही नहीं। पार्क का ये इलाका टाइगर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तो यहाँ शिकार की कमी रहती है और इसके ऊपर से यहाँ से इंसानों का गांव भी बस कुछ ही दूरी पर है। वैसे भी एक माँ कभी भी अपने बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती है, इसीलिए अब ये तो तय है कि मछली की सबसे ताकतवर बेटी सुंदरी इस दुनिया से जा चुकी है। इनसे कुछ ही दूर पर इनकी नानी यानी कि मछली भी मौजूद है। इसके पास ही एक नील गाय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन अब मछली इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि ये ऐसे शिकार को भी खुद से मार नहीं सकती है, और इसके ऊपर से अब मछली ने वापस रणथंभौर किले वाले इलाके को खो दिया है, क्योंकि अब वहाँ पर राज है मछली की बेटी कृष्णा का। अपनी माँ और बहन की तरह ही कृष्णा भी एक शानदार शिकारी है, और ये अपने इलाके का सही इस्तेमाल करके अपने शिकार को किस तरह से मारना है ये बहुत अच्छे से जानती है। जल्दी बर्फीली हवाएं रणथंभौर के हर हिस्से में बहने लगती हैं, और एक बार फिर से मानसून का सीजन आ जाता है। लगातार 3 महीनों तक यहाँ बारिश होते रहती है, और हर साल बाढ़ के खतरे से बचने के लिए सभी जानवरों को पहाड़ी इलाके में शिफ्ट होना पड़ता है। फिर जब मानसून का सीजन खत्म होता है तब मछली एक बार फिर से नजर आती है, लेकिन अब इसे देखकर ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये वही मछली है जिसने 14 फुट के मगरमच्छ का शिकार किया था। वैसे तो अब मछली 20 सालों की हो चुकी है, जो किसी भी वाइल्ड टाइगर के लिए बहुत ज्यादा है, पर मुझे तो इसकी बुरी हालत के पीछे की वजह खाने की कमी ही लग रही है। हो सकता है कि इस मानसून में ये कोई भी ढंग का शिकार नहीं कर पाई हो। और फिर अगले ही दिन झाड़ियों के पीछे मछली बेसुध पड़ी हुई नजर आती है। इसे देखकर ये तो साफ पता चल रहा है कि अब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। फिर धीरे धीरे जंगल की ये रानी मौत के आगोश में जाने लगती है, और 18 अगस्त 2016 सुबह 6:30 बजे मछली इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। पूरे रणथंभौर में मछली जैसा कोई टाइगर नहीं था, और इसके मरने का गम पूरे देश को हुआ था। इसकी मौत पूर्णिमा के दिन हुई थी, और रणथंभौर के लोगों का ये मानना है कि जो भी इस दिन मरता है वो स्वर्ग में जाता है। मछली एक ऐसी टाइग्रेस थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव वालों दोनों की ही सबसे चहेती थी, इसीलिए इसके मरने के बाद बहुत से लोग इसे अंतिम विदाई देने के लिए आते हैं, और फिर पूरे सम्मान के साथ मछली की अंतिम क्रिया की गई। रणथंभौर की इस रानी ने 4 बार बच्चों को जन्म दिया, और अपने बच्चों के लिए इसने कई लड़ाइयां लड़ी। इसके साथ ही इसने किसी भी आम टाइगर्स के मुकाबले बहुत अधिक उम्र तक जीवन जिया था, इसलिए मछली जैसे टाइगर्स कभी मरते नहीं है बल्कि इनकी यादें जंगल के हर कण कण में मौजूद रहती है, और इनके लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं इनके बच्चे, जैसे कि मछली की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है इसकी बेटी कृष्णा। और अगर आप कृष्णा की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करिए।